इन फिजिकल चेंजेस वी हैव ऑब्जर्व दैट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ टेम्परेरी एंड दैट कैन बी रिवर्स, यस ना? हमने मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ टेम्परेरी एंड दैट कैन बी रिवर्स, सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, क्लियर है? फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल थे. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन वी हैव डिस्कस लाइक जिंक ऑक्साइड आपका था. जिंक ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं, दैट कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड, एंड इसको कूल करते हैं तो ये भी आपका जिंक ऑक्साइड में आता है. ओके, नाउ इसका कलर आपका व्हाइट होता है एंड इसका कलर आपका येलो होता है. डिड यू रिमेम्बर? ओके, गुड. नाउ फॉर मे सेकेंड एग्जाम्पल इन दिस सीरीज, द फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉल्ट. NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जब आप करते हो, मीनिंग है इसका कि वाटर में आप सॉल्ट जब डालते हो, उसका सॉल्यूशन बनाते हो, एंड उस सॉल्यूशन से आप प्योरली सॉल्ट निकाल सकते हो बाय स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ दैट सॉल्यूशन. स्ट्रांगली हीट करोगे उस सॉल्यूशन को तो आप वहां से सॉल्ट बाहर निकाल सकते, एंड जो आपका वाटर वाला पार्ट होगा वो एवोपरेट होकर के बाहर निकल जाएगा. ओके, तो बेसिकली जिस कंडीशन में हम प्योरली स्टार्टिंग फेज में आ जाते हैं वो आपका फिजिकल चेंजेस होगा. अगर हम लोग स्टार्टिंग फेज में नहीं आ पाते हैं, दैट मीन्स वो आपका केमिकल फेज होगा. ओके, बेसिकली वी कैन से दैट जहां पर आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है वो आपका फिजिकल चेंजेस है. अगर रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स वो आपका केमिकल चेंजेस है. ओके, सम ऑफ द केस में ऐसा नहीं होता है, उसके हम लोग एक्सेप्शन और एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट था मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो अ फिनोमेना ऑफ फिजिकल चेंजेस. ओके, नेक्स्ट था मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस. ओके, सम एग्जाम्पल्स लाइक सब्लिमेशन के एग्जाम्पल भी देखे थे. सब्लिमेशन के एग्जाम्पल लाइक सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एंड सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इसका सब्लिमेशन देखा था. डिड यू रिमेम्बर ऑल ऑफ यू? गुड. नाउ इन दिस केस अगर मैं बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस की, फिजिकल चेंजेस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? नंबर वन होता है यहाँ पर नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंसेस. सेकेंड पॉइंट है दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. फिजिकल चेंजेस जो होगा वो आपका जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन होगा. ओके, थर्ड पॉइंट है नो चेंज इन द मास. एंड फोर्थ पॉइंट था लिटिल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा और एब्जॉर्ब करेगा. तो हम बेसिकली हम लोग यहाँ कर लेते हैं रिलीज और एब्जॉर्ब. समझ में आया? ये आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक थी. ओके, फिजिकल चेंज. नेक्स्ट था केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस में आपके एग्जाम्पल थे, फर्स्ट एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल. नाउ इफ आई टेल यू व्हाट आर द केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस की आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आया तो आप लोग लिख सकते हो डेफिनेशन. आएगा नहीं कभी? ओके, जे एन NTSC में ऐसा डेफिनेशन नहीं आता, बट एग्जाम्पल आएंगे आपके. एग्जाम्पल आएगा, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ क्रैकर इज अ चेंज ऑफ फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, मैकेनिकल चेंजेस. इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे. तो आपको लिखना है बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. बर्निंग ऑफ क्रैकर्स में बेसिकली आपका मैग्नीशियम होता है और उस मैग्नीशियम को आप बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट? यस सर. ओके, नेक्स्ट हमने लिखा था इन दिस सीरीज लाइटनिंग ऑफ मैच बॉक्स, या मैच स्टिक को लाइटनिंग करते हैं, मैच स्टिक को जलाते हैं, वो भी आपका एक टाइप का केमिकल चेंजेस होगा. ओके, एंड केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखा था यहाँ पर, इसी में मैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दूँ यहाँ पर. यहाँ पर था न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होगा. ओके, ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है. ओके, एंड यहाँ पर चेंजेस ऑफ मास होता है, यहाँ पर मास में चेंजेस हो सकता है. ओके, एंड यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी. समझ में आया? यही आपके जस्ट इसका अपोजिट लिख दोगे तो केमिकल की डेफिनेशन. ओके, आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट, इसमें आई थिंक हमने देखा था केमिकल रिएक्शन
एंड इक्वेशन के बाद हमने देखा था कंडीशन फेवरेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देखा था ना कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल थी, टेल मी। टेम्परेचर, प्रेशर, फिर कभी 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 कैटलिस्ट और कॉन्टैक्ट पहले था। नंबर वन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट तो आपका कॉन्टैक्ट ही है। नंबर सेकंड पॉइंट अगर सॉल्यूशन स्टेट में है तो सबसे बेस्ट रिएक्शन होगी। नंबर थर्ड पॉइंट था आपका एनर्जी। ओके, एंड नंबर फोर्थ पॉइंट था इन दिस सीरीज प्रेशर। एंड नंबर फिफ्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या था बेटा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा फाइव ए पॉइंट्स। ओके हाँ, अच्छा ये सॉल्यूशन वाला पार्ट तो इस कांटेक्ट में ही आ जाता बेटा, बिकॉज कांटेक्ट में आपके थ्री पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा आपका पाउडर, सेकंड पार्ट होगा आपका सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर आपका ये पॉइंट नंबर सेकंड, दिस पॉइंट नंबर थर्ड, दिस पॉइंट नंबर फोर। ओके, एनर्जी में कौन कौन से टर्म्स होते हैं एनर्जी में बेटा, फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट, जो एंडोथर्मिक होगा। एनर्जी किस फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं फॉर फेवरेबल कंडीशन के लिए, या तो आप हीट करोगे या फिर लाइट, ओके कूल करोगे सेकंड लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ है साउंड। ओके, मेजरली यही फोर एनर्जी के फॉर्म होते हैं। प्रेशर तो आपको पता ही है, प्रेशर में कुछ नहीं आपको जानना, प्रेशर ऑल ऑफ यू जानते हैं। ओके, एंड कैटलिस्ट में आपका कैटलिस्ट होता है आपके दो टाइप के कैटलिस्ट, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। जब आपकी रेट ऑफ रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है दैट मीन्स वो पॉजिटिव कैटलिस्ट, अगर रेट को डिक्रीज कर देता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर है, इतना पार्ट हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हमको डिस्कस करना था रोल ऑफ कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो मैंने अभी बता रहा हूँ था वही तो रोल है। तो यहाँ पर हेडिंग लिख लो, रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, जो मैंने अभी बताया वही उसी को सेम रिपीट करूंगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अ सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, अ सब्सटेंस विच चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ या विदाउट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। विदाउट टेकिंग इटसेल्फ टेकिंग पार्ट in chemical reaction, okay, is called catalyst। clear hai,
फॉर एग्जाम्पल ये डबल टेक ही होंगे यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपके सामने KClO3, KClO3 है. जब KClO3 को आप हीट करते हैं, क्लियर है, हीट करेंगे तो आपका KCl बनेगा प्लस 3O2 बनेगा. यहाँ पर 2 KC लगा, क्लियर है. नाउ टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट का नाम बताओ. क्लोरेट. पोटेशियम क्लोरेट. क्लोरेट. इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, पोटेशियम क्लोराइड. इसका नाम ऑक्सीजन. ओके सो देखो बेसिकली इसमें कैटलिस्ट का क्या रोल है आप समझना. इन दिस मिक्सचर अगर मैं सॉरी इन दिस पोटेशियम क्लोरेट को अगर लेता हूं मैं, इस पोटेशियम क्लोरेट को अगर मैं डायरेक्टली हीट करता हूं, क्लियर है, डायरेक्टली हीट करूंगा तो मुझे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगेगा टू कन्वर्टिंग द पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. क्लियर है. डायरेक्टली मैं हीट किया, कोई भी सब्सटेंस ऐड नहीं किया. ओके नाउ इफ आई टेक 4 पार्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड 1 पार्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर लिख लिया मैंने MnO2. 4 पार्ट ऑफ दिस एंड 1 पार्ट ऑफ दिस, क्लियर है. 4:1 में मुझे लेना है, 4:1 में मुझे ये लेना है, 1:1 मुझे ये लेना. जब मैं ये लूंगा तो जो आपका टेम्परेचर है एट वेरी लो टेम्परेचर पर मुझे ऑक्सीजन गैस और ये KCl मिल जाएगा. तो समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर दिया MnO2 ने. यहाँ पर MnO2 आपका कैटलिस्ट का काम किया, क्लियर है. Yes. और बहुत ही लो टेम्परेचर पर हुआ और ऑक्सीजन बहुत स्पीड से निकला. सो वी कैन से दैट दिस MnO2 इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट. जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता ना. पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्लियर है. पॉइंट समझ में आया ना. यस. नाउ इन द सिमिलरली अगर बात करूं और एग्जांपल लिख सकते हैं, बेसिकली एक नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल लिखो. नाउ इफ कैटलिस्ट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, H2O2 है. All of you know that H2O2, name of this product, please name. Hydrogen peroxide. Yes, hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide को आप कुछ नहीं करोगे तो इसकी टेंडेंसी होती है कि ये वाटर में एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है. अगर इसको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस करते हो, यहाँ पर ½O2 लगा करके बैलेंस हो जाएगी. कुछ नहीं कि आपने रेंडमली रख दिया तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये इसमें डिकम्पोज हो जाएगा. ओके बट बहुत ही धीरे धीरे करके डिकम्पोज होता है. ओके नाउ व्हेन यू ऐड इन दिस सॉल्यूशन, इस हाइड्रोजन परोक्साइड के सॉल्यूशन में आप ऐड कर देते हो, क्या ऐड करते हो, लिटिल अमाउंट ऑफ अल्कोहल. नॉट ओनली एल्कोहल, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसको आप ऐड करेंगे तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ये 100 थी, धीरे धीरे करके ये कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर 60 और 30 के रेशियो में, 60-40 के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा एट अ टाइम पर. समझ में आया, जब आपका एल्कोहल नहीं होगा. ओके नाउ व्हेन यू एड एल्कोहल दैट मीन्स तब ये रेट ऑफ रिएक्शन आपका ये यहाँ पर 2% ही कम्प्लीट होगी, 98% आपका इसी तरफ रहेगा. तो बेसिकली यहाँ पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज किया, डिक्रीज हुआ ना रेट ऑफ रिएक्शन. सो वी कैन से दैट एल्कोहल इज वर्क एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट हियर. एल्कोहल नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह पे यहाँ पर काम करता है. तो रोल समझ गए, दो रोल होते हैं किसी भी रिएक्शन में, कैटलिस्ट के दो रोल होते हैं, या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा. क्लियर है. नाउ किसी भी कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं बोलूं, यहाँ पर एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, 11th 12th में आएगा,
अगर सोचो MnO2 के मुझे रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है, यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट ऐड करते हैं MnO2 को बढ़ाने के लिए, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट, सपोज मैंने बोला यहाँ पर आपका एक्स प्रोडक्ट एक ऐड किया जो इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और MnO2 किसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इसकी एक्टिविटी को। समझ में आया ना पॉइंट? तो एक्स इज कॉल्ड एज अ प्रोमोटर। क्लियर है ना? यस सर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैंने एक यहाँ पर वाई प्रोडक्ट ऐड किया जो इसकी रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये वाई इज कॉल्ड एज अ पॉइजन। समझ में आया पॉइंट को? जो अभी आपके सिलेबस नहीं है बट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। अगर कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई चीज इफेक्ट करती है, इंक्रीज करती है उसकी एक्टिविटी या डिक्रीज करती है, तब उसको पॉइजन और प्रोमोटर बोलेंगे। अगर कैटलिस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट मीन्स हम उसको कैटलिस्ट को पॉइजन और प्रोमोटर कुछ भी नहीं बोलेंगे। समझ में आया पॉइंट को? यस। ओके गुड। ओके नाउ इन दिस सीरीज नाउ हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक कितने टाइप की होती है, केमिकल रिएक्शन वो आपको बताना है। केमिकल रिएक्शन का टाइप अलग होता है बट मैं पूछ रहा हूँ कितने टाइप ऑफ द रिएक्शंस होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूँ, लाइक एक टाइप की तो ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर गैस निकलती है, एक टाइप की ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर कलर चेंज होता है, एक इस टाइप की रिएक्शन होती है जहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो मैं उस टाइप की रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? मैं अभी बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखना बेटा, इसमें फर्स्ट वन हेडिंग लिखो यहाँ पर आप। फर्स्ट वन हेडिंग है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस एवोल्यूशन ऑफ गैस में उस टाइप की रिएक्शन आएंगे जहां पर प्रोडक्ट में आपका एज अ गैस के फॉर्म में कोई प्रोडक्ट निकल रहा हो। समझे हर्षवर्धन? नाउ इन मैनी केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैस, दैट इज कॉल्ड, वो इस एवोल्यूशन ऑफ गैस की कैटेगरी में आती है। ओके यहाँ पर लिख देंगे वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैस, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ गैस। यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपका गैस होना चाहिए, ओके तभी आपकी रिएक्शन होगी। चलो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। एनी एग्जाम्पल आपको आइडिया है जिसमें कोई एक प्रोडक्ट आपका गैस हो? चलो फॉर एग्जाम्पल आपका जिंक है। जिंक आपका जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, व्हेन जिंक रिएक्टेड विद H2SO4 दैट टू इन डायल्यूट फॉर्म, ये आपका डायल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। कंसेंट्रेट फॉर्म में होगा तो अलग रिएक्शन होगी। ओके नाउ डायल्यूट फॉर्म में होगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Z2SO4 प्लस H2 गैस। इस साइन का मीनिंग होता है गैस, ये तो जानते हो ना? अपवर्ड एरो का मतलब होता है गैस, इसका मतलब H2 आपका गैस है। क्लियर है? तो ये तो आपका जिंक हो गया, दिस इज हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज जिंक सल्फेट। ओके क्लियर है पॉइंट? क्लियर हुआ ना? ओके गुड। नाउ इन दिस सीरीज अगर मैं बोलूं एक और टाइप की रिएक्शन होती है जो रिएक्शन को हम बोलेंगे इफरविसिन रिएक्शंस, इफरविसेंस बोल सकते हैं, ई डबल एफ ई आर वी ई एस ई एन सी ई। इफरविसेंस क्या होता है, एनी आइडिया इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लिबरेशन ऑफ CO2। यस लिबरेशन ऑफ CO2 बोल सकते हैं या कोई भी गैस का लिबरेशन बोल सकते हैं, बट इन द बबल फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में जब गैस निकलती है किसी भी लिक्विड में, लिखता हूँ यहाँ पर। ओके आप नोट डाउन करना द फॉर्मेशन ऑफ गैस।
formation of gas bubbles in a liquid. समझ में आया? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इफर्वेसेंस. क्लियर है? यस गुड. ओके नाउ इन दिस सीरीज आपका एग्जाम्पल लिखो. जो आपका एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था KClO3 वाला, सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो. KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को अगर मैं हीट करूंगा, हीट मीन्स यहाँ पर सप्लाई ऑफ एनर्जी हो रही है, 2KCl बनेगा प्लस 3 ऑक्सीजन गैस बनेगी. तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बबल के फॉर्म में निकलेगी, दैट मीन्स यहाँ पर KCl आपका सॉल्यूशन होगा, लिक्विड होगा. क्लियर है ना? समझ में आया बेटा? एनी डाउट? नो. ओके ओके. So in this series, the same reaction also followed that Na2SO3 plus 2 times HCl when reacted with each other, that form 2NaCl plus H2O and SO2. Now, tell me which substance you didn't know. कौन सा substance आप नहीं जानते हो या उसका नाम नहीं जानते हो? Na2SO3 का नाम जानते हो? सोडियम सल्फाइड. गुड. HCl तो आप लोग जानते हो, NaCl भी जानते हो, वाटर भी जानते हो आप. यहाँ पर गैस क्या निकल रही है? SO2 गैस निकल रही है. समझ में आया? ये आपका इफर्वेसेंस की कैटेगरी में है. ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होगी आपकी चेंज ऑफ कलर, जिसमें आपका सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है आफ्टर द रिएक्शन. ओके. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉइंट नंबर सेकंड, चेंज ऑफ कलर. कलर का चेंज होगा आपका. चेंज ऑफ कलर क्या होगा? सर्टेन केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर ऑफ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट का कलर स्टार्टिंग में कुछ और होगा एंड आफ्टर द रिएक्शन के बाद उस सॉल्यूशन का कलर आपका अलग हो जाएगा. तो इस टाइप से भी रिएक्शन आप लोग कैरेक्टराइज किए जाते हैं. समझ में आया ना बेटा? तो अभी यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत है. चेंज ऑफ द कलर इसका मतलब क्या? प्रोडक्ट का कलर चेंज होना. हाँ. ओके गुड. तो यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल से आप लोग आइडेंटिफाई करना. ओके. एग्जाम्पल आपके पास Fe जब रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट से, क्या फॉर्म होगा बेटा? FeSO4 और कॉपर. गुड. FeSO4 प्लस कॉपर. यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर क्या है? पीकॉक ब्लू. यस, ब्लू सॉल्यूशन. गुड. एंड द FeSO4 सॉल्यूशन का कलर क्या है? ग्रीनिश ग्रीन. तो वी कैन से दैट स्टार्टिंग में इस सॉल्यूशन का कलर आपका ब्लू था, फिर बाद में ये ग्रीन हुआ. तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हुई या आपके सामने FeSO4 सॉल्यूशन बन गया. राइट? यस. ओके गुड. और एग्जांपल चाहिए इन दिस सीरीज? एक एग्जांपल और देता हूँ. ओके. CuSO4 when reacted with H2S hydrogen sulfide, इसके साथ रिएक्शन करेगा आपका कंपाउंड बनेगा CuS plus H2SO4. The color of H2S क्या है बेटा? सर कलरलेस होता है. H2S तो आपका गैस है एंड कलर ऑफ CuSO4 ब्लू. ब्लू जो ऊपर लिखा आपका. ओके. एंड द नेक्स्ट कलर क्या है बेटा इसका, जो प्रोडक्ट बना आपका?
ये तो आपका ब्लू हुआ, एंड दिस कॉपर सल्फाइड इसका कलर क्या होने वाला है? ब्लैक. क्लियर है? यस. ओके, नेक्स्ट इन दिस सीरीज अगर बात करें हम लोग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट. प्रिसिपिटेट जानते हो? हाँ. गुड. फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होना. आप प्रिसिपिटेट को आप पीपीटी भी लिखते हो, जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट. यस. ओके, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन बेसिकली क्या है? इन अ सर्टेन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में क्या होगा बेटा, रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. अगर आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, प्रिसिपिटेट का मीनिंग है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म होना. ओके, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस मीन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूं, आपको आइडिया होगा व्हेन अगर कोई आपका एक एक्वस सॉल्यूशन है या उसमें कोई और एक कंपाउंड ऐड करते हैं, कोई और एक्वस सॉल्यूशन हो या कोई लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी टाइप के सॉल्यूशन हो, जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो व्हेन, जब कभी किसी भी रिएक्शन में आपका एक इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाएगा. आपको ये प्रैक्टिकल करने को मिलेगा जब आप 11th 12th में आ जाओगे, और इवन जब आप IIT या किसी NIT कॉलेज में जाओगे या किसी BTech कॉलेज में जाओगे या आप रिसर्च करोगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, हायर एजुकेशन में, तब आपको रिसर्च करने के लिए मिलेगा. तो आपके सामने सब्सटेंसेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सब्सटेंस देता हूँ जो आपको जनरली प्रैक्टिकल के फॉर्म में मिल जाएगा, दैट इज AgNO3. AgNO3 का आपका एक्वस फॉर्म रहता है. ओके, व्हेन ये रिएक्ट करेगा आपका NaCl सॉल्यूशन से, NaCl सॉल्यूशन या एक्वस फॉर्म एक ही चीज है. क्या फॉर्म होने वाला कंपाउंड? AgCl प्लस NaNO3. Now AgCl यहाँ पर आपका सब्सटेंस प्रिसिपिटेट होता है. एंड कैन यू टेल मी कलर ऑफ AgCl? सर सिल, दैट इज व्हाइट कलर होता है बेटा, सिल्वर कलर नहीं होता. ओके, नाउ इस एक्वस का मीनिंग आप जानते हो? वाटर मीडियम. यस, एक्वस का मीनिंग आपने वाटर मीडियम में ऐड किया यहाँ पर. ओके, एंड यहाँ पर आपका एक्वस ये भी होता है, ये NaNO3 भी. सारे कंपाउंड्स के नाम जानते हो? AgNO3 क्या है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट. NaCl तो आप जानते हो, AgCl भी आप सिल्वर क्लोराइड है, एंड यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट है. क्लियर है? समझ में आया?
ओके नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका FeSO4, FeSO4 इक्वल्स प्लस 2NaOH इक्वल्स कंपाउंड फॉर्म हुआ FeOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 इक्वल्स FeSO4. Now, can you tell me the color of FeSO4? Green. Green, good. Green color. Now, can you tell me the color, name of this compound? FeSO4 का compound का name क्या है? Ferrous or ferric? Ferrous. कभी कभी कंफ्यूजन हुआ कि किसको फेरस बोलते हैं किसको फेरिक बोलते हैं, कंफ्यूजन तो होता होगा ना. इस कंपाउंड का नाम क्या है? फेरस हाइड्रोक्साइड. नाउ हमेशा याद रखना, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि कहाँ पर फेरस बोलते हैं कहाँ पर फेरिक बोलते हैं. ओके All of you, can you find oxidation number? Find करना आता है आपको? हाँ. आता है ना, मैंने बताया last year सिखाया था. हाँ. Okay. अगर oxidation number find करना नहीं आता तो आप लोग सीख लो. Okay? तो आपके सामने कोई से भी compound, कभी भी किसी भी type का compound दिया रहता है, आपको compare करना होगा कि ये ferrous है या ferric है. Okay? For example, आपके सामने दिया यहाँ पर, let's say ये आपके सामने compound FeCl2 है. Versus FeCl3. ये आपका कौन सा कंपाउंड है, ये आपका कौन सा कंपाउंड है? तो तुरंत ही आपने क्या निकाला? ऑक्सीडेशन नंबर निकाला. ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसके ऊपर प्लस 2 आएगा, या नहीं निकालोगे तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 आने वाला है. निकालते कैसे हैं? Fe की जगह हमने X रखा, प्लस 2 टाइम्स Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 = 0, तो x इक्वल टू प्लस 2 आया, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 आया. ओके क्लियर है? या बेसिकली Fe के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस 2 चार्ज है. सिमिलरली यहाँ पर निकालोगे, यहाँ पर x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा. क्लियर है? तो यहाँ पर आपका चार्ज आ जाएगा प्लस 3. तो ऑलवेज रिमेम्बर, जहां पर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आपकी Fe प्लस 2 है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, तो जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो आपका एक होता है, जहां पर कम होती है वो आपका एस होता है. समझ में आया? यस. क्लियर है? ये चीज याद रखे रहना. नाउ अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. आपके सामने एग्जाम्पल है, लेट्स CuCl2 है और Cu2Cl2. इसमें बताओ कौन सा आपका अस है, कौन सा आपका इक है. पहले तो इसका नाम अस एक बताओ, फिर इसका नाम बताना. तो तुरंत ही आपने क्या किया? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया. ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कॉपर की जगह एक्स लिखा, प्लस ऑफ 2 रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे, इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस 2 आ गया. क्लियर है? यहाँ पर 2 टाइम्स x लिखूंगा, प्लस ऑफ 2 टाइम्स -1 = 0, देन x इक्वल टू प्लस 1 आया. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2, तो ये वाला पार्ट आपका एक आएगा, ये वाला पार्ट आपका अस आएगा. ऑल ऑफ यू एग्री ऑर नॉट? यस सर. क्लियर है ना? तो किसी भी कंपाउंड में आपको ये निकालना है, जहां पर आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो जो आपका ज्यादा वाला पार्ट होता है वो आपका एक होता है, कम वाला पार्ट होता है वो आपका अस होता है. ओके नाउ और भी कंपाउंड होते हैं जहां पर आपके मिडिल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वहां पर आपको हाइपो और पर लगाना पड़ता है, तो वो आपका हायर एजुकेशन में आप पढ़ोगे, 11th हम लोग पढ़ाएंगे, डोंट वरी. लाइक आपका हाइपोक्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, ओके वो आपके आते हैं. ओके सो इन दिस सीरीज में आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ, जो आपको आइडिया होगा कि
calcium bicarbonate. कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, कभी पढ़ा है इसको? क्या बनता है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर, CaCO3. यस, CaCO3 प्लस CO2 और H2. गुड, H2 बनता है, तो ये CaCO3 आपका प्रिसिपिटेट हो जाता है सर, H2. हाँ, ये वाला आपका रिएक्शन काफी इम्पोर्टेंट है, आपको जेई में आपके इस रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इस रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आगे आपको बता दिया जाएगा. इसका नाम क्या है बेटा, इस प्रोडक्ट का नाम, इस कंपाउंड का नाम? कैल्शियम बाइकार्बोनेट. यस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये आपका होगा सॉल्यूशन, जो आपका ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, दिखता नहीं है. जब इसको हीट करते हैं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रिसिपिटेट हो जाएगा व्हाइट कलर. ओके, व्हाइट कलर का जाएगा. नाउ नेक्स्ट है इसमें चेंज इन द एनर्जी. फोर्थ पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट आपका इवेल्युएशन ऑफ गैस है, जिसमें आपकी गैसेस निकलती हैं, वो आपके इस कैटेगरी में रिएक्शन आएंगे. सेकेंड है जिसमें आपका कलर चेंज होता है, वो सारे रिएक्शन इस कैटेगरी में आएंगे. थर्ड है आपका जिसमें आपका प्रिसिपिटेट बनता है, वो आपका इस कैटेगरी में आएगा. फोर्थ पॉइंट है आपका जिसमें आपका क्या है बेटा, जिसमें आपका एनर्जी चेंज होता है, चेंज इन द एनर्जी. थर्ड है, फोर्थ, फोर्थ पॉइंट है. चेंज इन द एनर्जी. नाउ यू एंड मी ऑल्सो नो दैट कि एनर्जी आपकी दो टाइप में चेंज होती है, या तो एब्जॉर्ब करेगा या वो रिलीज करेगा, राइट ना? हाँ. ओके, सो अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड आपका ब्रेक करेंगे, बेसिकली केमिकल बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप ब्रेक करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स. ओके, उसको आप ब्रेक करते हैं. तो जब केमिकल रिएक्शन ब्रेक करते हैं तो उसमें एनर्जी को आपको देना पड़ेगा, या एनर्जी रिलीज होगी? देने पड़ेगी. यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, दैट मींस इस टाइप की एनर्जी में को हम बोल देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या बेटा? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्या है? रिलीज. रिलीज ऑफ एनर्जी. ओके, अभी आप रिलीज ऑफ एनर्जी भी जानते हो, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भी जानते हो. तो फर्स्ट आपका है हीट गिवन आउट, या बेसिकली रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज. हीट जिसमें बाहर निकलती है, उस टाइप की रिएक्शन. लाइक कार्बन आपका जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या फॉर्म होता है? CO2 प्लस लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, राइट?
Yes. Okay. When calcium oxide ये वाले reaction आप market में मिल सकता है, ये वाले आप घर पे कर सकते हो experiment. आप water में इसको mix कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका calcium hydroxide plus आपकी heat निकलेगी, बहुत सारी heat निकलेगी. समझ में आया? Now second type की reaction है जहाँ पर आपको reaction in which heat is absorbed, okay? Reaction in which heat is absorbed. जब heat absorb होगी तो उसकी reaction कौन कौन से होंगी, कोई बताएगा? First आपका N2 plus O2, जब इसको heat करेंगे, कभी भी हीट करते हैं इस टाइप की रिएक्शन लिखी, इसका मतलब हम हीट इसको दे रहे हैं ना. हाँ. ओके, दैट मींस उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे, कौन से टाइप की रिएक्शन होंगी, हीट एब्जॉर्ब करने वाली, एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है? एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक. ओके, तो बेसिकली यहाँ पर आप वर्ड एड कर लेना, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओके, एंड यहां पर आपको वर्ड ऐड कर लेना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. याद रहेगा ये चीज? यस. गुड. इसमें एक एग्जांपल और है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनेगा. ओके, अगर हीट की बात आए तो यहाँ पर याद कर लो, अप्रोक्सीमेट 3000 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1000 डिग्री सेल्सियस हीट करते हैं. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट इसका मतलब ये है, किसी भी रिएक्शन में स्टेट का चेंज होना. बेसिकली अगर बात करूं, अ चेंज ऑफ स्टेट इज आल्सो ऑब्जर्व इन द रिएक्शन. बेसिकली आप सॉलिड सॉलिड की रिएक्शन कर रहे हो, आपके सामने गैस बन जाए या लिक्विड बन जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि आप गैस गैस की रिएक्शन कर रहे हो तो हो सकता है आपके सामने सॉलिड बन जाए. समझ में आया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, H2S आपके सामने गैस है और ये रिएक्शन कर रहा है HCl गैस के साथ, सॉरी Cl2 गैस के साथ, Cl2 गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये बन जाएगा आपका HCl गैस बन जाएगा प्लस सल्फर आपका सॉलिड बन जाएगा. समझ में आया ना? दोनों गैस गैस पार्ट थी, गैस और गैस दोनों रिएक्शन करके एक सॉलिड और गैस बना रहे हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन आपकी चेंज इन द स्टेट की कैटेगरी में आती है. इज ऑल ऑफ यू क्लियर? हाँ सर. समझ में आया? ओके गुड. ओके, तो ये आपका हो गया कंडीशन फेवरेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन की टाइप. बेसिकली ओवरऑल टाइप बताया मैंने, इसके अलावा आप कहीं रिएक्शन देखोगे भी नहीं. पूरा केमिस्ट्री बता दिया मैंने इसमें कि टोटल 5 टाइप की रिएक्शन आप देखोगे थ्रू आउट द केमिस्ट्री, चाहे वो किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर लो. क्लियर? कहीं पर भी आप देख लो, टोटल 5 टाइप के रिएक्शन ही मिलेंगी और इसके अलावा और कहीं नहीं मिलने वाली आपके रिएक्शन. ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको करके लाना है. ओके, होमवर्क फॉर यू दैट यू हैव टू राइट अ केमिकल इक्वेशन. यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखना है, केमिकल इक्वेशन पढ़ के आना है एंड आपको लिखना है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये भी आपको सीख के आना है. ओके, ये भी आपको, ये दो चीजें आपको सीख के लाना है. ये चीज आप सीख लोगे,
बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर मेथड होंगे आपको, ओके? तो मेथड आप लोग सीख लेना, आपकी एनसीईआरटी बुक में होगा, एनसीईआरटी बुक से आप लोग रीड कर सकते हो, ओके? एंड आफ्टर दैट हम लोग इसके बाद देखेंगे डायरेक्टली फ्रॉम द टाइप ऑफ रिएक्शन, ओके? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखेंगे। अभी आप बोलोगे सर अभी भी हमने टाइप देखा है, तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर सकते हो किस टाइप का पूछना है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है सर? डीकंपोजिशन आ रही है, सॉरी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। इसके बाद आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग पढ़ के आना, आपको जहां तक हो सके ये दो आपको कंपलसरी है, अगर हो सके तो ये भी पढ़ के आना, बट ये दो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा और मैं आपको एक शीट सेंड कर दूंगा, ओके? उस शीट से आपको क्वेश्चन जितने एज मच एज क्वेश्चन जितने आप लोग सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो। हाँ, आप सबके पास पियर्सन की बुक है क्या सर? कौन से स्टैंडर्ड की? पियर्सन एक पब्लिकेशन है, पियर्सन की बुक होगी 10th स्टैंडर्ड की, एनटीएससी के लिए। नहीं सर, 10th की नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास में उसको बुक का पीडीएफ होगा, अगर मिलेगा तो दिखा दूंगा, या उसका लिंक वगैरह आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोग खरीद सकते हो। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। बेसिकली आपको क्वेश्चंस नहीं होंगे आपके सामने सॉल्व करने के लिए, एनसीईआरटी बुक में होता नहीं क्वेश्चन, बाकी कहीं से आपको मिल। एनटीएससी की गाइड ना पियर्सन की? कौन सा? एनटीएससी की गाइड ना पियर्सन की? मुझे इतना आइडिया नहीं है, बुक देख के बताता हूँ आप लोग, ओके? मेरे पास है पीडीएफ। हाँ, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होंगे उसमें, हाँ वही होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उसमें, उसको सॉल्व करना आप लोग, वहां से क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते बेटा उसमें, ओके? उसको सॉल्व करना और मैं सीट सेंड कर दूंगा। क्लियर है? शैल वी स्टॉप फॉर टुडे? यस, ओके, बाय बाय एवरीवन, ओके, बाय सर, थैंक यू सर।